देखो देखो देख रहा है, ये देखो भाई पूरा एकदम देखो कितना कितना मारने के बाद ये होता है सोचो। और उसके बाद फिर ये भी वही है, ये देखो सुन रहे, ये देखो पूरा ऐठने के बाद भी नहीं होता है भाई। टाइम 25 तारीख 8वां महीना 2023, टाइमिंग भी है गाइस 3:08 में 44 सेकेंड। इतना बजे मैंने, और इतना सारा मतलब देख लो ना ये भाई क्या क्या चेंज हुआ, ये पढ़ लो। प्लेट क्लच प्राइस कितना आया था, 2604 रुपया, वो भी गाइस सिर्फ 1 महीने के बाद ही अपन लोग सर्विसिंग करवाए थे, तो इतना लगा गाइस 2600 रुपया। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज आज अपन लोग जाने वाले सर्विसिंग सेंटर हीरो का, क्योंकि आज गाइज 1 तारीख है और अपना 25 तारीख को गाड़ी सर्विसिंग हुई थी। और सर्विसिंग होने के बाद भाई क्या मतलब चेंजमेंट आई ना बाइक में, बता नहीं सकते ऐसा वैसा चेंजमेंट आई है ना। सोचोगे तो बोलोगे यार सर्विसिंग होने के बाद ऐसा चेंजिंग भी होता है क्या बाइक में। तो गाइस सबसे पहले अपना सेल्फ ख़राब हो गया, मतलब सेल्फ थोड़ा बहुत पहले से सही था यार, मतलब ख़राब नहीं बोल सकते, सही था, लेकिन अब तो सेल्फ लेता ही नहीं है बाइक में सर्विसिंग के बाद। सर्विसिंग से पहले नहीं गाइस, सर्विसिंग के बाद, उसके बाद जो किक होती है ना पैर से मारने वाली, स्टार्ट नहीं हो रही है तो वो भी गया गाइस, वो भी काम नहीं करता। लाइक अगर मारते ना तो फ्लैक्चुएट टाइप का बोलते ना, मतलब वाइब्रेट टाइप का, नीचे डायरेक्ट नीचे हो जाना, स्टार्ट नहीं होता गाड़ी, वैसा होता है। तो अपन लोग बाइक लेके आ गए, उस साइड बाइक अपना लगा हुआ, साथ में है मंटू, और फिर मैं आपको दिखा दूँगा आज कि 25 तारीख को अपन लोग सर्विसिंग करवाए थे और उसके बाद गाड़ी चली ही नहीं है गाइज, बिल्कुल भी नहीं चली। थोड़ा समय चलाया था और फिर चलाने के बाद एक बारी मैं सिर्फ थोड़ा बहुत बोल सकते गाइज 10 किलोमीटर के आसपास चला था, उसके बाद गाड़ी चली ही नहीं। और फिर कल तो गाइज रक्षाबंधन था और परसों तो बाइक निकली ही नहीं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, ये देखो, सॉरी मैं बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ गाइज। तो ये देखो गाइज, ये मैंने कब करवाया सर्विसिंग, ये देखो टाइम 25 तारीख 8वां महीना 2023, टाइमिंग भी है गाइज 3:08 में 44 सेकेंड। इतना बजे मैंने, और इतना सारा मतलब देख लो ना ये भाई क्या क्या चेंज हुआ, ये पढ़ लो। प्लेट क्लच प्रेशर, सेंटर क्लच, प्लेट क्लच भाई बहुत सारा, सारा कुछ कॉस्ट जोड़ो ना। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट भाई, ये देखो टोटल प्राइस कितना आया था, 2604 रुपया, वो भी गाइस सिर्फ 1 महीने के बाद ही अपन लोग सर्विसिंग करवाए थे, तो इतना लगा गाइस 2600 रुपया ना। मैं तो गाइस अपन लोग R15 को सर्विसिंग करवा लेते हैं, प्लस मेरा R15 का गाइस 2 महीना से ऊपर हो गया सर्विसिंग का, 3 महीना 4 महीना हो गया, बट फिर भी ऐसा नहीं हुआ बुरा हाल हुआ है कि उसको सर्विसिंग करवा दे। बट उसमें भी उस टाइम लगा था गाइस मैक्सिमम 3000, तो वो भाई बड़ी गाड़ी है तो 400 ही ज़्यादा लगा था, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं लगा था। तो 3000 में भाई मतलब चार पाँच महीने बाद सर्विसिंग करवाओ तो यामाहा का इतना अच्छा सर्विस देता है, सोचो गाइस। और फिर स्प्लेंडर हीरो का देख लो भाई, हर एक महीने सर्विसिंग हो रही है फिर भी ये हाल, वो भी 2600 रुपया भाई। मतलब अंदर का जो बॉक्स होती है ना क्लच प्लेट वाली, बॉक्स भी चेंज करो, जब भी सर्विसिंग करवाओ ना बॉक्स ही चेंज करना पड़ता है, सोचो कैसा कैसा क्वालिटी अभी यूज कर रहा है यार। पहले का तो पता नहीं, पहले का सही था, बट अभी का स्प्लेंडर भाई वेस्ट है, मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज क्या क्या इसका प्रॉब्लम है, पहले तो सेल्फ वाली प्रॉब्लम है फिर किक वाली प्रॉब्लम है, दोनों दिखाते हैं। और उसके बाद ये पेपर मैंने इसलिए ले लिया ना कि सर्विसिंग सेंटर जा रहे हैं, उनको दिखाएंगे अच्छे से और फिर सही करवाएंगे गाइज। ये देखो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, ये देखो यही है ओम हीरो, फ्रंट कैमरा है ना तो उल्टा दिख रहा होगा, तो अभी मैं बैक कैमरा से बाइक का हाल दिखाता हूँ गाइज। भाई सीरियल नंबर है, सॉरी 7123, ओम हीरो, मनी रिसिप्ट 25 तारीख 8वां महीना 2023। और फिर ये देखो 2606 रुपया हुआ था, 6 रुपये इसमें ऐड नहीं करा। और फिर अभी देखो मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ, न्यूट्रल है क्या मंटू, न्यूट्रल होगा, देख देखना स्टार्ट करके दिखाना, देखो देखो देख रहा है, ये देखो भाई पूरा एकदम देखो कितना कितना मारने के बाद ये होता है सोचो। और उसके बाद फिर ये भी वही है, ये देखो सुन रहे, ये देखो पूरा ऐठने के बाद भी नहीं होता है भाई। और उसके बाद ये तो सेल्फ हुई गाइस, अभी एक की अभी ये देखो सेल्फ नहीं ले रहा, आवाज़ सुन रहे हो ना, पूरा ख़त्म। ये देखो भाई ये हाल है इसका, सिर्फ हॉर्न सही है, बैटरी वैटरी सारा कुछ सही है। और अभी इसका दिखाना किक वाला, दिखाना मंटू, ये देखो किक वाला,
ये शायद एक दो बार ले लेता है, बाकी के टाइम ना ही लेता है भाई। ले लिया, एक आध बार ले लेता है, बाकी के टाइम ये लेता नहीं है, बहुत रेयर केस में लेता है ये। तो चलो अभी तो ले रहा, तो अभी ये तो सारा कुछ हो गया, अभी मंटू राइड करेगा और फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से। ना ही लेता है भाई, वो भी ना ही मानो। ये देखो फ्री है, ये देखो, ये देखो देखो, ये फ्री पूरा। तो ऐसा ही होता है। तो अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं। ये भाई मतलब एकदम बेकार है। चलो ले लिया। सो अभी तो अपन लोग गांव से निकल रहे हैं, इधर बरगद के पेड़ के पास है। और फिर अंकल जी मस्त वाला देख रहा है अपना, ये देखो गाड़ी ऐसा ऐसा वैसा गया हुआ है ना यार, क्या बोले भाई, क्या ही बोले। और फिर ये हम जो कि ब्लॉग बना रहे हैं, कैमरा में दिख रहा। और फिर ये अपना डिक्की भाई, अब बैठने के बाद स्टार्ट नहीं हो रहा। ये देखो हो गया स्टार्ट भाई, पसीने पसीने हम दोनों हो गए। अब ये देखो फिर से बंद भाई, सर्विसिंग के बाद ये हाल होता है बाइक का, देख लो। वो भी हीरो का खास करके, हमारा R15 तो सही है भाई, यामाहा का भाई, यामाहा का ही सही होता है मेरा मानो तो। बट पापा का बाइक है गाइस, तो पापा के लिए ये सब सही है, हल्का गाड़ी काफ़ी सही होता है। तो अभी अपन लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बस जल्दी से सर्विसिंग सेंटर घुसते हैं और फिर दिखाते हैं उन लोग अपना सारा प्रॉब्लम और फिर बताते हैं। ये किस चीज़ का खेती हो रहा है बताना, आलू का है क्या ही? अभी तो आलू नहीं भाई। अच्छा ये देखो सारे लोग पंछी वंछी से बचाने के लिए ये सब करते हैं। और फिर देखो गाइज, मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ ना, अपन लोग एक बारी फेदा वाला वीडियो लाए, लाइक ये तार दिख रही है, ये तार से जो फेदा नीचे गिरता है ना, उसको अपन लोग एक खेत में ना रोपने वाले हैं। और फिर उसके बाद ना एक बरम उसको बोलते हैं, लंबा लंबा निकलता है बाद में 2 महीने बाद, वो वाली कबाड़ के खाने वाली वीडियो। तो हम लोग सोच रहे ना फेदा को रोपने वाली एक वीडियो लाए आप लोग के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताना वो वाली वीडियो लाए या फिर ना लाए। तो अभी तो चल रहे, देखो जिधर देखो उधर मोटर चल रहा है, इधर भी मोटर, जहाँ देखो वहाँ मोटर। और फिर ऐसे अंकल जी बैठे। तो भाई ये देखो जाम बाईपास की तरफ से, और इधर अपने को सर्विसिंग सेंटर और आ गया है, सो वहीं पे जानी है भाई। अच्छा वो में सर्विसिंग है ना, बस स्टैंड के पास। हाँ तो ये रामचंद्रपुर में है ओम सर्विस सेंटर, हीरो का ओम ही है ना, ओम हीरो। हाँ ओम हीरो। तो इधर भी देखो यार, ये बाजार समिति इधर की तरफ, और इधर इतना जाम भाई, जाम ही इधर इतना होता है ना, बीच में गियर कम कर भी करियो नहीं तो बंद होगा ना, तो भाई फाड़ देगा इधर। बस ऐसा आस लगा रहता है ना गाइस कि बीच में गाड़ी बंद ना हो, क्योंकि अगर बंद हो गई ना तो भाई पीछे वाले भी काफ़ी इधर लेट हो जाएंगे हम लोगों के कारण। तो इसी कारण से बस गाड़ी वाड़ी बंद ना हो तो सही है। अभी ढूंढना है कौन सा वो वाला, वो आगे है हीरो वहाँ पे एकदम, मेरे को तो इधर से ही दिख गया। आप लोगों को दिखा गया? ये देखो भाई दिखा होगा, अब दिखा होगा, हाँ दिख गया। तो अभी अपन लोग इधर के साइड हो गए, रॉन्ग साइड से, क्योंकि यही है ओम। तो भाई पहुंच गए, पहुंच गए, क्या बात है, ये देखो। सो अभी तो सर्विस सेंटर जस्ट पहुंचे हैं, अभी अंदर एंट्री लेते हैं और फिर गाइस क्या सीन होता है बताते हैं। अभी अंदर ही ले लो, डायरेक्ट डायरेक्ट ले लो अंदर। तो यहाँ से एंट्री ले लिए, ये देखो हीरो का गाड़ी लग चुका है। और फिर इधर देखो अंदर की साइड बहुत सारा सर्विसिंग हो रहा है भाई, देख सकते हो यार, मतलब ऐसा वेस्ट क्वालिटी का सामान लेके सर्विसिंग पे लगा हुआ है सारा, देखो अपना पुर्जा अपना हाथ में भाई, कब तक टाइमिंग देगा कब तक करवाएगा पता नहीं, बोला भी मैकेनिक ढूंढ रहा है। तो इधर और फिर उधर गया भी सर्विसिंग के लिए, पूछने के लिए मैकेनिक को कौन सा मैकेनिक खाली है। सो देखो भाई बेतुका गाड़ी। तो भाई अभी बैटरी चेक कर रहा है, बोला कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सेल्फ में, तो बैटरी देखेगा अभी, बैटरी सही है फिर नहीं है। बाकी तो भाई चल ही रहा है सारा कुछ, बस बैटरी चेक करेगा फिर देखेगा किक वाला, फिर उसके बाद क्या होता है किक में। और ये वेटिंग रूम है, यहाँ भी वेट कर सकते हो, थोड़ा भी देखते यार बैटरी सही है फिर नहीं है। और इधर सर्विसिंग वाला, न्यू बाइक लेते हुए। तो भाई काफ़ी टाइम हो गया, जाम देखो अभी तक बना नहीं है, बैटरी चार्ज में लगा हुआ, लेकिन नहीं गया कहीं पे कुछ खाने पीने। तो हम लोग भी सोचे यार चलो कुछ खा पी लेते हैं हम लोग भी। ये अपना सर्विस सेंटर और इधर जाम, चलते पहले समोसा वमोसा खा लेते हैं। सो फाइनली भाई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया,
अपन लोग ऐसे ही निकल गए सर्विसिंग सेंटर से, भाई 11 बजे आए थे, 2:30 बजे घर जा रहे हैं। सोचो इतना देर तक अभी कोई सोल्यूशन भी नहीं किया। वेरी बैड गाइस, बहुत ही ख़राब लगा अपने को आज। तो अभी तो निकल चुके हैं और जाम में भी फंसे हुए हैं। देखो भाई जाम, मतलब एक तो कभी 11 बजे ही आए थे भाई और इतना टाइम हो गया, मतलब 2:30-3 बजने वाला और कुछ काम भी नहीं हुआ। कोई फालतू है यार, ऐसा बाइक लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। जब तुम्हें सर्विसिंग सेंटर आना पड़ेगा, छोटा मोटा काम के लिए इतना टाइम लगाएगा, उसके लिए आओ ही मत यार, ऐसा वैसा बाइक ही मत लो भाई। जाम देख रहे हो, ये देखो जाम भाई, बेतुका वाला जाम, जिधर किधर से डाल दिया ना वही वाला जाम है, और कोई खास वाला जाम नहीं दिख रहा है अपने को। ये देखो अपन लोग भी रॉन्ग साइड से निकल रहे, क्या करें, मजबूरी है भाई निकलने का, ना निकलेंगे तो फंसेंगे। ओ भाई ये देखो इधर पूरा खाली है, और ऐसे इधर सारा लोग लगा देता वही जाम हो जाता है। ये देखो इधर भी सारा कुछ खाली वाली, खाली खाली सा। उधर से तो जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि उधर भी काफ़ी इधर रोड वोड ख़राब है। अरे भाई ये देखो भाई, अच्छा इधर भी महिंद्रा ट्रैक्टर बहुत कुछ खुल चुका है भाई इधर। तो चलो जल्दी से चलते हैं हाईवे का वीडियो बनाते चलते हैं गाइज। सो फाइनली गाइज हम लोग हीरो का सर्विस सेंटर से आ गए हैं, बट बिल्कुल ही ना खुश है गाइज, क्योंकि समझ सकते हो एक वेस्ट प्रोडक्ट होती है ना, उसको लेके अपन लोग अभी पछतावा में आ गए हैं। क्योंकि यार इतना वेस्ट बाइक ना, पहले ही स्प्लेंडर प्लस ऐसा नहीं था गाइज, जब से BS6 हुआ है ना, जो इतना कुछ चेंजमेंट किया है ना, उसके बाद इस बाइक का जो लेवल होता है ना, यहाँ से यहाँ कर दिया गाइज, डायरेक्ट पूरा गिरा दिया गाइज इसका लेवल। BS4 बेस्ट था गाइज, बट BS6 एकदम वेस्ट है। मेरे को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता BS6, लिटरली बोलो तो एकदम बेकार भाई। पहले तो वह सर्विसिंग अपन लोग 25 तारीख को ही करवाए थे, और उसके जस्ट एक दिन बाद में जब बाइक चलाया ना गाइज, सेल्फ काम नहीं कर रही है, प्लस की क्या ना वो भी काम नहीं कर रही है। सर्विस से पहले सही थी, थोड़ा बहुत था मतलब ये वो, और ये मत सोचना गाइज कि बैटरी खराब था, बैटरी बिल्कुल गुड हेल्थ में था गाइज, चार्ज भी एकदम परफेक्ट थी गाइज, कोई उसमें कमी नहीं थी। बट वहाँ पे जाने के बाद ना, पहले तो अपने को 2 घंटे तक गाइज पहले अपना सर्विस रिकॉर्ड देखा उसने, सर्विसिंग पेपर देखा, बोला हाँ सही है। उसके बाद 1-2 घंटे ऐसे ही बैठाया बेफालतू का, बेफिजूल का गाइज, क्योंकि ये लो कैटेगरी के होते हैं ना, मतलब कैटेगरी नहीं बोल सकते, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी होते हैं ना वो ऐसा ही करते हैं। क्योंकि हमने गाइज यामाहा का भी सर्विसिंग सेंटर में गए हैं हम लोग, बजाज का भी गए हैं भाई, TBS का भी गए हैं, लेकिन आज तक फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने देखा है गाइज, जो कि मतलब भीड़ ना भी हो ना, बस भसड़ मची है भाई, मतलब एकदम जितना टाइम लग सकता है, ताकि कोई भी होता है ना जो सर्विस करवा के चला जाता है ना, वो दोबारा आता ना, वो ज़्यादा वेट ना करे, बस बाइक उठाए चला जाए। लास्ट में वही मेरे साथ भी हुआ गाइज, मैं 2 घंटे तक वेट किया, कोई कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ गाइज, सिर्फ बाइक ऐसे ही लनफन किया, लास्ट में बैटरी वैटरी खोला, नहीं खुला, फिर बोलता भाई खुला ही नहीं, नहीं खुल रहा। गुस्सा तो भाई, पहले तो अपन लोग 11 बजे गए थे भाई, 2 बज चुकी थी, दिमाग एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई थी गाइज, भूख भी काफ़ी ज़्यादा थी, वो तो समोसा खा के अपन लोग भूख मिटा लिए, लेकिन जो अंदर से होती है ना बैड वाली फीलिंग्स, वो आई यार कि अपन लोग पछता रहे हैं भाई ये बाइक लेके। मैं स्पेशली बोलूँगा भाई, लो बाइक ना ये कभी मत लो, TBS का भी आती है गाइज, स्प्लेंडर प्लस टाइप का ही वो बाइक आती है, वो वाली बाइक लो TBS का, इससे कई गुना ज़्यादा बेटर होगा गाइज। और अगर आपको लेनी होगी ना स्प्लेंडर प्लस भी, तो गाइज BS6 मत लेना, बेफालतू है, मत लो यार, मैं स्पेशली बोलूँगा एकदम मत लो यार, वेस्ट है भाई। अगर ये वीडियो देख रहे हो ना हीरो वाले भी, बाई चांस कभी ना कभी मेरे को नहीं लगता उतना मतलब जाएगा भी, बट हाँ बाई चांस चल भी गया ना तो बुरा मत मानना, जैसा भाई आपका कंपनी है, जैसा प्रोडक्ट मेरे को मिला है उसी अनुसार मैंने वीडियो में बताया गाइस, क्योंकि समझ सकते हो 3 महीना में 3 सर्विसिंग, प्लस हर एक सर्विसिंग में ना क्लच प्लेट का बॉक्स होता है वो चेंज, तो मटेरियल देखो गाइज कितना चिप क्वालिटी वाला आ रहा है, चेंजिंग हो रहा है सिर्फ, हमेशा 3,000-2,600 के आसपास का ही सर्विसिंग हुआ 3 महीना में 3 बार, तो सोच लो इससे अच्छा तो मेरा R15 है, 4-5 महीने में एक बार हुई है सिर्फ 3,000 का सर्विसिंग, अभी मस्त वाला चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, इतना रफली चलाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बट इसको रफली चलाएंगे ना
तो भाई पूछो मत, 10-15 हज़ार से ऊपर का लॉस चला जाएगा इसमें। तो मैं स्पेशली बोलूँगा भाई एकदम मत लेना। वहाँ पे कुछ लोग बाइक भी ले रहे थे, मतलब बोल सकते हो घंटा 2 घंटा में एक बाइक निकल रही थी। मतलब स्प्लेंडर नहीं, ग्लैमर, ग्लैमर सही है भाई, ग्लैमर सही है, बोल सकते हैं ग्लैमर सही है। बट होंडा इससे भी अच्छा है भाई, होंडा साइन ये सब अच्छा है उससे, इससे बहुत अच्छा है भाई, मैं तो यही बोलूँगा बहुत अच्छा है होंडा साइन। बट और क्या ही बोल सकते भाई, किसी के बारे में इतना बुराई नहीं कर सकते, अपन लोग बुराई भी नहीं कर रहा है। जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस, कि अपने साथ ऐसा ऐसा हुआ। बैटरी मेरा बिल्कुल गुड हेल्थ में था, बैटरी फुली चार्ज था, बट फिर भी उन लोगों ने टाइम वेस्ट किया, मेरा बैटरी खोलने का कोशिश किए, बट उन लोग से खुला भी नहीं। मैं बोला मैं खोल लूँ, तो उसने बोला नहीं मैं खोल लूँगा, और खुला नहीं, लास्ट में मेरा टाइम वेस्ट किया। और फिर बोलता है आप थोड़ा सा और रुकिए 2-3 घंटे, उसके बाद होगा, बट कोई सॉल्यूशन ही नहीं हुआ भाई। तो फाइनली मैं क्या किया ना, बाइक लिया गुस्सा में, भाई चलो यार, मंटू बोला भाई चल बनने वाला नहीं है, मेरे को पता है। तो अपन लोग बाइक लिए और निकल गए। घर आने के बाद अपन लोग खुद ही सॉल्यूशन देखेंगे, बाहर इधर उधर कुछ भी जो होगा वो देख लेंगे भाई, क्योंकि चलो सेल्फ तो नहीं काम कर रहा मान ले बैटरी, बट बैटरी सही है, बट किक कैसे नहीं काम कर रहा भाई ये बताओ, किक भी काम नहीं कर रहा, एक दो बार काम करती है फिर नहीं करती, अगर जाम वाम में गाड़ी बंद होती है ना तो काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो जाता है भाई। तो क्या ही बोल सकते अपन लोग, कहीं और ले जाके इसको बनवाएंगे, देखेंगे क्या सॉल्यूशन होता है। बट नेक्स्ट टाइम से यार मैं कभी हीरो का कोई बाइक नहीं लूंगा, ये तो स्पेशली मैं इस वीडियो से बता रहा हूँ, आज तक आज के बाद ना मैं कभी हीरो का कोई भी बाइक लूंगा ही नहीं, हीरो कंपनी का बाइक क्या, अगर 4 व्हीलर भी आ गई ना फिर भी मैं नहीं लूंगा हीरो का। लेना तो भाई अपना इंडिया वाला कंपनी मस्त है यार, वही सब लो, नहीं तो फिर और भी R15 ये सब सही है वो सब, यार जो प्रोडक्ट अच्छी है वो लो, बाकी छोड़ो यार। यही सब सारा कुछ था आज मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। बाय बाय गाइस। और फिर लाइट कटा हुआ है, अपना परछाई देख सकता है, ये देखो पीछे वाला अपना परछाई, और फिर ये अपना दीवार भाई, ऐसा ही है भाई, छोटा मोटा घर है तो ऐसा ही दीवार दिखेगा और ऐसा ही परछाई। लाइट नहीं है, इन्वर्टर का लाइट है गाइज, प्लस ये रूम थोड़ा सा अंधेरा रहता है, इसी कारण से लाइट जला के अपन लोग वीडियो बनाते हैं इस रूम में। और फिर ये अपना रूम है, मैं इसका पूरा दिखाऊंगा ना तो आप लोग देख के बोलोगे यार कैसे रहते हो ऐसा रूम में। भाई थोड़ा सा ही दिखाता हूँ, ये देखो टोटल ऐसा ही दीवार है, क्योंकि पुराना दीवार है ना, इस पे कोई पेंट वेंट चिपकता नहीं, दादा के टाइम का ही दीवार है, तो सोचो कितना ही पुराना वाला दीवार होगा। बाय बाय गाइस।